अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शेयर करने वाला हूं उसका नाम है ब्लैक यूआई। इसमें आपको काफ़ी अच्छी नई कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी और बहुत ही गुड लुकिंग ये थीम आपको देखने को मिलेगी। आपकी डिवाइस को काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करने वाली है और उसके साथ इस थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर शो हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें और उसके साथ आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और आप मेरा चैनल जो है टेलीग्राम का उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहां पे अपडेट्स डालता रहता हूं। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस थीम को आपने कैसे परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास जो थीम स्टोर का वर्जन है वो 7.1.1 होना चाहिए या फिर 7.1.0 होना चाहिए और उसके साथ यहाँ पे आपके पास जो iMode Pro ऐप का जो वर्जन है वो आपके पास 1.3.4 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तभी ये थीम आपकी डिवाइस में परमानेंटली वर्क करेगी विदाउट एनी 5 मिनट ट्रायल एरर। अगर आपके पास 7.8 है या फिर 7.4 है उसमें ये परमानेंटली वर्क नहीं करेगी, आपको 5 मिनट ट्रायल का इशू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से थीम फाइल को डाउनलोड करना है और उसके साथ आपने ओपन करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपने जाना है फ़ोन स्टोरेज में और जहां पे आपने थीम को डाउनलोड करके रखा होगा उसको आपने पासवर्ड देकर एक्सट्रैक्ट करना है और उस थीम पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इस थीम का कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। तो ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एरर आपको देखने को मिलता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने ओपन करना है iMode Pro ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप करना है। थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, कोई आपको 5 मिनट ट्रायल का एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। थीम की बात करते हैं तो आपको होम स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिलेगी, न्यू क्लॉक विजेट, न्यू आइकन पैक आपको देखने को मिलेगा और कमाल का वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो नोटिफिकेशन पैनल भी आपको एक नई लुक यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तमाम आपको यहाँ पर न्यू आइकन देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ अगर हम बात कर लें यहाँ पर सेटिंग इंटरफेस की तो यहाँ पर आपको सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तमाम यहाँ पे आपको न्यू आइकन देखने को मिलेंगे जो कि थीम्स के रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइल मैनेजर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का लुक जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और फ़ोन स्टोरेज में फोल्डर्स का लुक भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। लॉक स्क्रीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मल्टी वॉलपेपर लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आप वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर आपको अच्छे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। तो कमाल की लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, चार्जिंग एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा, एक न्यू चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी थीम देखने को मिल जाएगी। मैसेजिंग इंटरफेस में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ व्हाट्सएप में भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।